नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 और 24 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यशमय घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाल होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले घरों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 23 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शादी नाम का शुभ योग और शुभ नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय सुबह के 9:14 से लेकर सुबह के 10:49 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा दिन मकर राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, अगले दिन 24 अप्रैल की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और दोस्तों इन दिन श्रवण नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शुभ नाम का शुभ योग और शुक्ल नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, इन दिन राहु कल के समय शाम के 5:12 से लेकर शाम के 6:47 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आपको अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगा। यह समय घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग यश में लेखक हैं उनके लिए उनके विचारों का यश में सम्मान होगा, आपकी लेखने की हर जगह जो है तारीफ होगी। दोस्तों, यश में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों स्थितियाँ थोड़ी सी तनाव को बढ़ाने वाली होंगी और दोस्तों इस दौरान आपको अपनी ओर से पूरा प्रयास करना होगा कि ऐसा कुछ भी न हो जिससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। दोस्तों, यश में घर परिवार में बेहतर संबंध बनाना, एक दूसरे की सहयोग की भावना रखना आवश्यक होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होगा खुद को देने का समय होगा। आप स्वयं को कोई बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। संभवतः यश में कोई बुरी संगत या फिर लत को छोड़ने का आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों, यश में आपको प्रोफेशनल मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, इन दिनों में ऐसा काम करने से आप बचें जिससे आपको भविष्य में कुछ नुकसान होने की आशंका हो। दोस्तों, अपने आप को हर परिस्थिति में संयमित रखें। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, किसी नए व्यक्ति से आपकी जो है मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगा, भविष्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे करियर के लिए, आपके करियर में किसी नई जिम्मेदारी के मिलने के संकेत हैं, विदेश से भी शुभ समाचार यश में मिल सकते हैं। वही दोस्तों, यश में आपके अगर पिछले कोई लंबे समय से अटके हुए जो काम है या फिर इच्छा है यश में पूरी हो सकती है, जिसके कारण दोस्तों एक अलग ही आत्मविश्वास से आप यश में भरे होंगे। कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण स्वयं के लिए समय निकालना आपके लिए लगभग असंभव होगा, लेकिन आप फिर भी प्रयास करें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, इन दिनों में विवाह योग्य युवक युवतियां को विवाह के लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। वही दोस्तों, अगर आप जो है पहले से ही किसी रिलेशन में हैं तो दोस्तों आपका रिलेशन शादी में इसमें बदल सकता है, आप जो है अपना प्रयास जारी रखें। इन दिनों में दोस्तों अविवाहित लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की भी संभावना है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपको हाथों में चोट लग सकती है, आपको सावधान रहने की यश में आवश्यकता होगी। दोस्तों, किसी ऐसी समस्या की संभावना कम है जो आपको अधिक परेशान कर रहा है,
दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको पहले से कोई शिकायत है तो इस पर आप सावधानी बरतें। दोस्तों वो समस्या इसमें बढ़ सकता है और दोस्तों किसी समस्या की संभावना इस समय नहीं है। वह दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वह दोस्तों यह समय गणेश जी कहते हैं कि आप एक धारी जीवन शैली से जो है उबर महसूस करेंगे और दोस्तों दैनिक जीवन में परिवर्तन लाने की आपको जो है इच्छा होगी। दोस्तों इन दिनों के शाम का समय जो होगा कुछ राहत देगा और आप लंबे समय से जिससे मिलना चाहते थे उन सगे संबंधियों से यह समय आप मिल पाएंगे तथा दोस्तों इससे आपका जो है मानसिक शांति आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए इन दिनों में आप जो है वर्क प्लेस पर जो है वर्कहोलिक नज़र आ सकते हैं और दोस्तों वेस्ट पीरियड आपको जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सुकून के पल बिताने का मौका नहीं देगा। दोस्तों आप अपने काम पर फोकस करेंगे। वहीं दोस्तों यह समय आपकी रिसर्च स्किल जो है धीरे धीरे आपके ज्ञान को और बढ़ाएगी और आप सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे पारिवारिक जीवन के लिए आप जो अपने मन में रिलैक्स करने की विचार करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ जो है सहज और शांतिपूर्ण समय बिताना चाहेंगे। आप घरेलू कामों में शामिल हो सकते हैं जो कि आपको अत्यधिक खुशी देगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपका प्यार इससे अत्यधिक आनंदित होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में दिन के पहले भाग में आपका जो दिमाग है वित्तीय मोर्चे पर बहुत ही सक्रिय रहेगा। आप पैसे कमाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाने में भी सक्षम होंगे लेकिन दोस्तों जब तक आप जो है योजनाओं को निष्पादित नहीं करेंगे तब तक सब कुछ जो है कागजी रहेगा। वहीं दोस्तों ये जो समय होंगे इन दिनों में आपके जो है शिक्षित का विस्तार होगा। दोस्तों यह समय क्योंकि आप में उपलब्धि की भावना होगी, आप विभिन्न विषयों पर गहरी रुचि लेंगे जो आपको उत्साहित करेगा। दोस्तों यह समय गणेश जी कहते हैं कि दिन का दूसरा जो भाग होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शादी दोस्तों यह समय आपकी जी तोड़ मेहनत और परिवार का सहयोग आपके इच्छित परिणाम देने में कामयाब होंगे लेकिन दोस्तों तरक्की का रफ्तार जो है बरकरार रखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। यानी दोस्तों इसी तरह से आप मेहनत को जो है जारी रखें। निवेश करना कई बार दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है लेकिन दोस्तों इन दिनों में आपको इस बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से जो है आपको यश में मुनाफा मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और दोस्तों मददगार साबित होगा। दोस्तों ये जो दिन है किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल की गहराई को छू जाएगा। दोस्तों ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए आप जो है नितांत एकाकी हैं। सहकर्मी सहयोगी की मदद के लिए यश में हाथ बढ़ा सकते हैं लेकिन वे ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यश में आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना जो है दिन को किसी ऐसी जगह पर बिताना चाहेंगे या फिर बिताना पसंद करेंगे जहाँ जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो दिन है आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय होगा। दोस्तों यश में अपने साथी के साथ अपने भावनाओं को शेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में नौकरी या फिर बिजनेस में उन्नति के लिए अपनी माता या फिर स्त्री को चांदी से बना हुआ कोई आभूषण जेवर दें और पांव छूकर जो है आप आशीर्वाद ले लें। इससे दोस्तों आप नौकरी या फिर बिजनेस में उन्नति कर पाएंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों यश में आपको बता दें कि सोने का एक टुकड़ा पीले कपड़े में लपेट कर अपने घर के पेशे रखने वाले स्थान पर रख दें। दोस्तों ऐसा करने से आप जो है आपके ऊपर सदैव यश में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों इन उपायों को हो सके तो जरूर करें और शादी दोस्तों आपको बता दें और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।